दमोह जिले के कुंडलपुर निवासी सीआरपीएफ के जवान का ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने पर 4 जून को पुणे महाराष्ट्र में मौजूद सीआरपीएफ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 6 जून देर रात उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर लगते ही समूचे कुंडलपुर क्षेत्र सहित जिले भर में शोक की लहर व्याप्त हो गई। 7 जून को देर रात फ्लाइट और सीआरपीएफ के विशेष वाहन के माध्यम से पार्थिव शरीर गृहगाम ग्राम कुंडलपुर पहुंचा, जहां पुणे महाराष्ट्र में आर्मी ऑफिसर रैपिड एक्शन फोर्स में एसआई के पद पर पदस्थ शहीद जवान जीवनलाल चौधरी को राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें आसपास के ग्रामों सहित विभिन्न क्षेत्रों से उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने लोग पहुंचे, उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मुख्य रूप से उनके बेटे नवीन चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं सीआरपीएफ के जवानों ने भी अपने साथी के समय मृत्यु पर गहन शोक व्यक्त करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। थे, मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ख़राब है। जैसे मैं वहाँ गया उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर तबीयत ख़राब थी तो फिर सीरियस अच्छी नहीं थी, तो फिर उसके कारण उनकी डेथ हो गई। उसके कारण फिर हम वहाँ से पुणे से यहाँ भोपाल लाए, फिर भोपाल से कुंडलपुर लाए, फिर उनका अच्छा वीर शहीद जैसे सम्मान मिला, सलामी दी गई और पूरे गाँव पूरे समाज के लोगों ने उनका अच्छे से सम्मान किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो भी आए मेरा उनको सादर प्रणाम, जिन्हें मेरा साथ दिया। अटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।